आज कश्मीर के मेरे भाई बहन आतंकवाद के साये से बाहर आकर खुली हवा में सांस ले रहे हैं, देश के विकास में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। यहां जो मेरे एक तरफ सरदार सरोवर बांध है, वो भी 5-6 दशक से लटका हुआ था। सबके प्रयास से इस बांध का काम भी बीते कुछ ही वर्षों में पूरा हुआ है। साथियों, संकल्प से सिद्धि का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारा ये एकता नगर भी है। 10-15 वर्ष पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि केवड़िया इतना बदल जाएगा। आज एकता नगर की पहचान ग्लोबल ग्रीन सिटी के तौर पर हो रही है। यही वो शहर है जहां से दुनिया भर के देशों का ध्यान खींचने वाले मिशन लाइफ की शुरुआत हुई थी। जब भी मैं यहां आता हूं, इसका आकर्षण और बढ़ा हुआ दिखता हूं। रिवर राफ्टिंग, एकता क्रूज, एकता नर्सरी, एकता मॉल, आरोग्य वन, कैक्टस और बटरफ्लाई गार्डन, जंगल सफारी, मियावाकी फॉरेस्ट, मेज गार्डन, यहां पर्यटकों को बहुत आकर्षित कर रहे हैं। पिछले 6 महीने में ही यहां 1.5 लाख से ज्यादा पेड लगाए गए हैं। सोलर पावर जनरेशन में, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में भी एकता नगर बहुत आगे चल रहा है। आज यहां एक स्पेशल हेरिटेज ट्रेन का एक नया आकर्षण भी जुड़ने जा रहा है। एकता नगर स्टेशन और अहमदाबाद के बीच चलने वाली इस ट्रेन में हमारी विरासत की झलक भी है और आधुनिक सुविधाएं भी है। इसके इंजन को स्टीम इंजन का लुक दिया गया है, लेकिन ये चलेगी बिजली से। एकता नगर में इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी की गई है। अब यहां पर्यटकों को ई बस, ई गोल्फ कार्ट और ई साइकिल के साथ पब्लिक बाइक शेयरिंग सिस्टम की सुविधा भी मिलेगी। पिछले 5 वर्षों में 1.5 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहां आ चुके हैं और यह संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इसका बहुत बड़ा लाभ यहां के हमारे आदिवासी भाई बहनों को हो रहा है। उन्हें रोजगार के नए साधन मिल रहे हैं। साथियों, आज पूरा विश्व भारत के संकल्प की दृढ़ता को, भारतवासियों के पौरुष और प्रखरता को, भारतीय जनशक्ति की जिजीविषा को आदर और विश्वास से देख रहा है। भारत की अविश्वसनीय, अतुलनीय यात्रा आज हर किसी के लिए प्रेरणा का केंद्र बन चुकी है। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, हमें कुछ बातों को कभी भी भूलना नहीं है, उसको सदा सर्वदा याद भी रखना है।
मैं आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रत्येक देशवासी से इस बारे में मेरे मन के भाव आज उनके सामने मैं प्रकट करना चाहता हूं। आज पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। कोरोना के बाद से कई देशों की अर्थव्यवस्था की हालत चरमरा गई है, बहुत खराब है। बहुत सारे देश 30-40 सालों की सबसे ज्यादा महंगाई से आज जूझ रहे हैं। उन देशों में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। हम एक के बाद एक चुनौतियों को पार करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमने नए रिकॉर्ड बनाए हैं, हमने नए पैमाने भी बनाए हैं। पिछले 9 साल में देश जिन नीतियों और निर्णयों के साथ आगे बढ़ा है, उसका प्रभाव भी आज जीवन के हर क्षेत्र में देख रहे हैं। भारत में गरीबी कम हो रही है। 5 वर्ष में 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। हमें विश्वास मिला है कि हम देश से गरीबी को खत्म कर सकते हैं और हमें इसी दिशा में निरंतर आगे बढ़ते ही रहना है। और इसलिए प्रत्येक भारतवासी के लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को भी ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे देश की स्थिरता पर आंच आए। हमारे कदम भटकने से हम लक्ष्य से भी भटक जाएंगे। जिस परिश्रम से 140 करोड़ भारतीय देश को विकास के पथ पर लेकर आए हैं, वो कभी भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। हमें भविष्य को ध्यान में रखना है और अपने संकल्पों पर डटे रहना है। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।